साइबर सिटी गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की जान इन दिनों सांसद में नजर आ रही है। 26 जनवरी पर जारी अलर्ट के दौरान गुरुग्राम पुलिस को एक तेज रफ्तार बाइक को रोकना काफी मुश्किल भरा हो गया। सुरक्षा के मद्देनजर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के सामने ट्रैफिक पुलिसकर्मी एएसआई रिसाल खान एक सिपाही के साथ वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, तभी दो युवक तेज रफ्तार बाइक से आते दिखे। सिपाही ने उन्हें रुकने का इशारा किया। इशारा मिलते ही बाइक तो रुकी, लेकिन उसके बाद इस शख्स ने अपने पिता के पुलिस में होने का आरोप दिखाते हुए सिपाही को जमकर लताड़ लगाई। चेकिंग के लिए रोके जाने पर इस युवक ने मीडिया कर्मियों के सामने ही पुलिसकर्मी पर बाइक चलाने की हिमाकत तक कर डाली। ये दबंग युवक यही नहीं रुका, बल्कि पुलिसकर्मियों को कैमरे के सामने ही गालियां निकालने और देख लेने की धमकियां तक देने लगा। पुलिस को चेकिंग में इसके पास से ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिला। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने जब बाइक की जांच की तो बाइक पर ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज द्वारिका कोर्ट दिल्ली की पार्किंग का स्टिकर भी लगा हुआ था। गुरुग्राम से नवोदय टाइम्स के लिए मनु मेहता की रिपोर्ट।